तो ना पार्टी कहता है कि आप किसी के साथ गलत करिए, ना धर्म करता है किसी के साथ गलत करिए। धर्म मानने की चीज है और पार्टी का एक अपना सिद्धांत है, जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो उसका गाइडलाइन तय करते हैं। तो अब आपको यदि पार्टीगत कोई बात है तो उसके लिए प्रवक्ता है, और धर्म के लिए धर्माचार्य है, किसी भी धर्म के लिए है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए। अब ये लोग क्या होते हैं, जो पार्टी के शीर्षस्थ लोग हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे इस बयान से ही समाज चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप विकास की बात करिए ना, आप एक पैमाना तय करिए और उस पर जनता की आकांक्षा पर खड़ा होइए। अरे आप कुछ करेंगे ही नहीं, सपना दिखाएंगे, ये सपना से बिहार नहीं चलेगा। बयानबाजी से नहीं चलेगा बिहार, आम आवाम की बात करने वालों से चलेगा बिहार, डॉक्टर रमन झा। बिहार की राजनीति में इन दोनों शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर यादव का बयान काफी तूल पकड़ रहा है। बिहार में विपक्षी पार्टी शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर जमकर हमलावर हो रहे हैं। सभी शिक्षा मंत्री पर जुबानी हमला कर रहे हैं, कोई तो उन्हें मानसिक बीमार बताकर मानसिक रोगी अस्पताल में इलाज करवाने की बात कह डाली। पिछले दिनों सहरसा पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शिक्षा मंत्री पर जमकर बरसे और उन्होंने उन्हें अपना मानसिक इलाज करवाने की सलाह तक दे डाले। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री सह छातापुर विधायक नीरज कुमार उर्फ बबलू ने भी शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर जमकर जुबानी हमला किया। वहीं सभी के बयानों का खंडन करते हुए जनता दल यू डॉक्टर सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि राजनीति में जनता के विकास की बातें होनी चाहिए, इस तरह के बयानबाजी से बिहार नहीं चलेगा, ना ही बिहार के लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिल पाएगा। सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करना चाहिए। पार्टी के शीर्ष पर बैठे लोगों को लगता है कि इस तरह के बयान से ही समाज चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बातें विकास की पर होनी चाहिए, बातें जनता की समस्या पर होनी चाहिए। सुनिए क्या कहते हैं जनता दल यू डॉक्टर सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन झा। पूर्व मंत्री सह विधायक नीरज बबलू ने जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी पे बयान दिया है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ कि अभी जो वर्तमान राजनीति का राजनीतिकरण है ना, ये इतना मतलब एक तरह से घालमेल हो चुका है, चाहे हमारे माननीय मंत्री चंद्रशेखर बाबू हो या माननीय पूर्व मंत्री बबलू बाबू है, इनको बयानबाजी से इस तरह बचना चाहिए, किसी को भी बचना चाहिए। और अपने अपने क्षेत्र के संयोग से दोनों आदमी जनप्रतिनिधि हैं, तब विधायक या मंत्री हैं, इनको तो पहले अपने क्षेत्र के विकास की तरफ देखना चाहिए ना। बयानबाजी करना ठीक है, आप उसको आपको कृष्ण भगवान दिखाई पड़ रहे हैं और आपको राम भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, तो इससे क्या जनता का भोजन वस्त्र आवास पूरा हो जाएगा? मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं कि इसका मतलब है कि आप दोनों ही आदमी अपने अपने क्षेत्र के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, मैं इसको इस रूप में देखता हूं। पिछले दिनों सम्राट चौधरी भी सहरसा आए थे सम्मेलन में, उन्होंने भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी पे हमला साधा अपने बयान से। उन्होंने कहा कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, जदयू इनका इलाज करावे, नहीं तो बीजेपी इनका इलाज करे। देखिए क्या है ना कि सम्राट चौधरी जी को लगता है कि मुरेठा बांध लेने से ना पूरे बिहार का मस्तिष्क उन्हीं के पास आ गया है, तो एक तरह से ये उनका भी मानसिक दिवालियापन है, जो उनको लग रहा है कि वो कौन होते हैं ये बात कहने वाले। अपने गृहमान में जाके देखे ना कि वो क्या कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान और अगला पिछला करके बिहार को बांटने का काम सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं दूसरे को। अरे राम, ठीक है, हम लोग भी इस बयान का मांग, अभिनंदन वाले भी उनका व्यक्तिगत बयान मान रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये किसी पार्टी का बयान है। और जब भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं महागठबंधन वाले और हम जेडीयू में हैं, तो इसमें जब जो संविधान को मानता है वो सर्वधर्म का आदर करता है, तो ये सम्राट चौधरी जी या बबलू बाबू जो बोल रहे हैं, तो यार अपने अपने देखिए ना आप क्या कर रहे हैं। आपने तो समाज को बांट के ऐसा हाल कर दिया है पूरे बिहार और पूरे देश का, जिसका कोई बात नहीं है, और अपने आपको अंदर देखना चाहिए, तो आप उपदेश दे रहे हैं, आप क्या है, संत हैं, प्रवचन करता है। राजनीति में इस तरह से जो नेताओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो बयानबाजी की जाती है, इसे किस तरह से देखते हैं, उन्हें क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आप जो काम करें उसको ईमानदारी से करिए ना, कोई भी धर्म हो और कोई भी पार्टी हो, तो ना पार्टी कहता है कि आप किसी के साथ गलत करिए, ना धर्म करता है किसी के साथ गलत करिए। धर्म मानने की चीज है और पार्टी का एक अपना सिद्धांत है, जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो उसका गाइडलाइन तय करते हैं। तो अब आपको यदि पार्टीगत कोई बात है तो उसके लिए प्रवक्ता है,
और धर्म के लिए धर्माचार्य है, किसी भी धर्म के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए। अब ये लोग क्या होते हैं ना, जो पार्टी के शीर्षस्थ लोग हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे इस बयान से ही समाज चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप विकास की बात करिए ना, आप एक पैमाना तय करिए और उस पर जनता की आकांक्षा पर खड़ा होइए। अरे आप कुछ करेंगे ही नहीं, सपना दिखाएंगे, ये सपना से बिहार नहीं चलेगा। बिहार चलेगा नीतीश, माननीय नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी सोच से, तेजस्वी यादव जी के दूरदर्शी सोच से, इस तरह के नेताओं के दूरदर्शी सोच से, जो अगर आप पिछड़ा हिंदू मुसलमान नहीं करके बिहार के आम आवाम की बात करता है, इससे बिहार चलेगा। क्या नाम हो आपका? मैं डॉक्टर रमन झा, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यू, डॉक्टर सेलगांव।